मानव तस्करी दे एक वड्डे गिरोह एक वड्डे रैकेट का पर्दाफाश होया। इस गिरोह के एक मैंबर ने पहला इंस्टाग्राम से एक लड़की के नाल दोस्ती की। इसने इस लड़की नू वरगलाया अपने नाल लै गया अते फिर इस मुलजम ने इस गैंग के मैंबर ने इस लड़की नू एक नहीं दो दो बार वेच दिता। पुलिस ने हुण इस लड़की नू रेस्क्यू किया है अते मुलजमां नू गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया से बिछाया दोस्ती का जाल, फिर बरगला के लै गए अपने नाल। नाबालग नू वेख्या दो वार, हुण पुलिस ने मुलजम किते गिरफ्तार। जी हाँ, सोशल मीडिया से किसी नाल भी दोस्ती करना, किसी ते भी भरोसा कर लेना किन्ना खतरनाक साबित हो सकता है। इस दी उदाहरण पेश करता एक लोक अंडे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, मुक्तसर साहब पुलिस के हाथ वड्डी कामयाबी लगी है। पुलिस मुताबक उन्होंने एक शख्स ने शिकायत दी सी कि एक लड़के ने पहला उसकी धी नाल एक सोशल मीडिया साइट से दोस्ती की थी, फिर उसनों वरगला के अपने नाल लै गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की तो खुलासा होया कि पीड़िता को पहला जम्मू तो फिर बीकानेर च वेचा गया। पुलिस ने हुण इस गैंग का पर्दाफाश कर गैंग के कुल 8 मैंबरों चो 4 नू काबू भी कर लिया, जिन्हां च 3 औरतां भी शामिल ने। निशान सिंह वालों कंप्लेंट की गई, उसके बयान से परचा दर्ज होया सी। उसकी नाबालिग लड़की सी 17 साल की जी, उन्हें कोई इतों लै गए सी ते पहला नू जिहड़ा जम्मू भेज दिता सी। उस तो बाद उतों वापस आ गई लड़की तो उन्होंने जरा बीकानेर भेज दिता सी। ठीक है, ये 4 दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं तो टोटल 8 ने, लड़की भी बरामद की जा चुकी है। ये लड़की ना इनू कोई इंस्टाग्राम तो कोई फोन वगैरह आता सी, इस करके वो लड़का इन्हें लै गया इतों वरगला के अगे उन्हें भेज दिता। पुलिस मुताबक मुलजम राजस्थान ते अमृतसर दे नाल संबंधित ने। दसिया जा रहा है कि इस गैंग दे मैंबर पहला सोशल मीडिया ते लड़कियां दे नाल दोस्ती करदे, फिर उन्हां नू वरगला के अपने नाल ले जांदे ते फिर लड़कियां नू वेच दिता जांदा। इस गिरोह चो नौजवान की पत्नी भी शामिल है जिसने पीड़िता नू अपने जाल च फसाया सी। फिलहाल पुलिस मामले की बरीकी नाल जांच कर रही है ते इस गैंग दे बाकी मैंबरां नू काबू करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। उम्मीद जताई जा रही है कि मानव तस्करी दे एक वड्डे रैकेट दा पर्दाफाश हो सकता है। PTC न्यूज़ दिल्ली मुक्तसर तो कुलदीप रीणी की रिपोर्ट।